इधर देखे सुनो, चलिए स्टार्ट। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दामोदर राव और हमारे बगल में बैठे हुए हैं सूर्य प्रकाश दुबे जी। राधे राधे सभी को। जी आज विजयादशमी है, दशहरा, और हम लोग मुंबई में अभी हैं, तो आप सभी को इधर दशहरा की हार्दिक शुभकामना, जी विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत आज होती है, तो यही भावना लेके कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं उसको जीत के बल पे आगे बढ़ा जाए, सफल हुआ जाए, यही सब कामना है। और बहुत बहुत ढेरों बधाई है आप लोगों को। आज दशहरा के उपलक्ष्य में आज हम लोग एक एल्बम रॉक बैंड प्रेजेंट्स श्री राधे नाम का एल्बम का आज हम लोग विमोचन कर रहे हैं, आज लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिसको गाया है हमारे परम मित्र कृष्ण भक्त श्री सूर्य प्रकाश दुबे जी, जी और बहुत ही अच्छे मिजाज में गाए हैं। राधे रानी की बड़ी कृपा है इनपे, और इनके मित्र हमारे बगल में बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? शशि दुबे। शशि दुबे, ये भी दुबे जी हैं। तो बड़ा अच्छा समय है, अच्छा माहौल है, और आज पूरे सभी जगह आज खुशियों का आज मौसम है। पूरे भारत में विजयादशमी पर्व, हाँ जी हाँ जी दशहरा, हर जगह मेला और रावण का पुतला जलाया जाता है। अपने भारत में, उत्तर भारत में, हम लोग हिंदू सनातन धर्म में जहाँ तक ये रीति है कि बुराई पर अच्छा जी अच्छाई की विजय होती है, तो आज अच्छा दिन है। और मैं प्रकाश जी से, सूर्य प्रकाश जी से यही चर्चा करूंगा कि आज जो एल्बम जो लॉन्च हो रहा है जी श्री राधे नाम का हिंदी भक्ति एल्बम है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो एल्बम ये रिलीज हो रहा है, अपने बारे में और एल्बम के बारे में बताइए। जी दामोदर जी, आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं भजन गायक सूर्या दुबे, जैसा कि दामोदर जी ने और हम सबकी ओर से आप सबको विजयदशमी की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे साथ भी आप लोग बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। दोस्तों मैं बता दूं कि श्री राधे एल्बम जो राधे राधे रॉक बैंड प्रेजेंट्स, हमारा जो बैंड है, मैंने जो पिछले 6 महीने पहले 25 मार्च को बैंड अपना खोला है, ओपनिंग किया, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वो बैंड प्रेजेंट कर रहा है। थीम सॉन्ग है राधे राधे रॉक बैंड का, थीम सॉन्ग। हर एक फिल्म का एक थीम सॉन्ग होता है, हर एक चीज का एक थीम सॉन्ग होता है जो पूरे फिल्म में चलता रहता है बैकग्राउंड की तरह। इसीलिए मेरे दिमाग में काफी दिनों से बैंड खुला, बहुत दिन से ये मन में चल रहा था कि नहीं ये बैंड के लिए कुछ गाना करना है। मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर से संपर्क किया, बात नहीं बन पाई, आजकल आजकल लगा हुआ। और जैसे मेरा राधे राधे रॉक बैंड खुला तो इतने सारे लोग सामने आए, इतने सारे लोगों का सहयोग हुआ था मुदर जी, बहुत सारे लोग खुल के आए। मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सबको मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी तरीके से बांके बिहारी जी ने दामोदर राव को भेजा मेरे पास। एक दिन हम ये बैठे थे बाहर, हम पिछले 9 सालों से मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं ये हमारे, चर्चा हुई, हमने कहा कुछ सहयोग करिए प्रभु। इन्होंने कहा कि आप गाना लेके आइए, और फट 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 कैसे काम हुआ पूछिए मत। और जैसा कि परसों हम लोगों ने मेरी माता की चौकी में एल्बम का विमोचन हुआ अच्छे स्तर से, और आगे भी एक बड़ा इसका विमोचन हम इस्कॉन, जुहू इस्कॉन में करेंगे। आगे आने वाले दिनों में 12 अक्टूबर को इलाहाबाद शहर में मेरी बहुत बड़ी साईं संध्या है, साईं बाबा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ मंदिर के पीठाधीश्वर का पूरे भारतवर्ष में दामोदर जी भ्रमण है, तो वो 12 अक्टूबर को इलाहाबाद पहुंच रहे हैं, तो विशाल साईं संध्या रखी है, वो मेरा कार्यक्रम है, उसमें भी राधे श्री राधे एल्बम का बड़ा विमोचन होना है। तो इस तरीके से विमोचन होता रहेगा और अच्छी चीजें हम आपको देते रहेंगे। और हमारे साथ शशि द्विवेदी जी हैं, अच्छे गीतकार हैं, मुझे प्रयाग गौरव मिला इलाहाबाद शहर ने उस काबिल चुना, उसके पीछे शशि जी का हाथ है, क्योंकि दामोदर जी शशि जी ने ही वो एल्बम लिखा था महिमा प्रयागराज की, जिसके बलबूते मुझे प्रयाग गौरव मिला। शशि द्विवेदी जी हमारे राधे राधे रॉक बैंड के एंकर भी थे,
और बड़े डिवोशनल हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब इंसान भी बहुत अच्छे हैं।